नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल डॉक्टर एपी एजुकेशन पर। साथियों, हम सभी अपने इस लेक्चर सीरीज में पूर्व के कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में हम आज फिर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे और अपनी तैयारी को एक मजबूती प्रदान करने का प्रयास करेंगे। साथियों, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक चर्चा में आपसे करना चाहता था कि लाइव क्लास स्टार्ट करने के प्रयास में मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो आप लोग सजेस्ट करिए कि क्या समय रखा जाए कि जिससे आप सभी लोग एक मैं जानता हूँ मेरे साथ जुड़ने वाले अधिकतर लोग वर्किंग हैं, कहीं ना कहीं पढ़ा रहे हैं या अपनी तैयारी कर रहे हैं या कोई ना कोई जिम्मेदारियाँ उनके ऊपर हैं, तो एक उचित समय आप कमेंट बॉक्स में बताइए जिससे आप सभी जुड़ सके और हम लोग एक साथ में इंटेलेक्चुअल जो हमारा कन्वर्सेशन है वो भी इस्टेब्लिश हो सके। तो क्या टाइमिंग रखी जाए लाइव क्लास की, ये जरा आप सजेस्ट करने का प्रयास करिएगा। चलिए हम लोग अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर का हमारा पहला प्रश्न है कि निम्न में से किस प्रकार की चिंतन क्षमता एक बच्चे में सृजनशीलता होने का सूचक है। एक बच्चा सृजनात्मक बालक है, यह उसके किस प्रकार की चिंतन क्षमता को देखकर आप पहचान पाएंगे, ये प्रश्न आपसे ये पूछना चाहता है। तो पहला विकल्प कह रहा है कि स्पष्ट चिंतन क्षमता या व्यवस्थित चिंतन क्षमता, सही चिंतन क्षमता या भिन्न चिंतन क्षमता। जो थिंकिंग पावर है बच्चे की, उस बात पर चर्चा हो रही है। तो बालक अगर सृजनात्मक बालक है तो उसे लीक से हटकर कुछ सोचना होगा, इसलिए उसका इस अंतर्गत मतलब उसका जो भिन्न चिंतन क्षमता है वो उसके एक प्रकार के सृजनशील बालक होने को सूचित करेगी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। कहते हैं कि यदि कोई शून्य परिकल्पना, हमारे पास एक नल हाइपोथेसिस है, ठीक, ये क्या हो गई है, यदि कोई शून्य परिकल्पना की अस्वीकृति हो जाती है यानी रिजेक्ट हो गई, ठीक है, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई, तो मुख्य शोध परिकल्पना के विषय में निम्न में से कौन सा निर्णय उपयुक्त होगा। तो हमारी जब हम जानते हैं, मैंने आपको पढ़ाया परिकल्पना के लेक्चर में, उसके बाद आपको मैंने टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस भी पढ़ाया, तब हमने देखा है अपने यहाँ पर कि हम जब हम डेटा एनालिसिस कर रहे होते हैं तो हम नल हाइपोथेसिस का फॉर्मेशन करते हैं। जब हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी तो इसका मतलब क्या होगी, हमारी शोध परिकल्पना या हमारे जो वैकल्पिक परिकल्पना है वह हमारी स्वीकार कर ली जाएगी। चलिए इनमें से देखते हैं कौन सा विकल्प सही बात कह रहा है। मुख्य शोध परिकल्पना को अस्वीकृत कर दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं। जब हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई है तो हमारी मुख्य शोध परिकल्पना को हमें स्वीकार करना है, रिजेक्ट थोड़ा करना है, मुख्य शोध परिकल्पना को सही मानकर चला जाएगा। ये बात सही लग रही है। आगे देखते हैं, शून्य और मुख्य शोध दोनों परिकल्पनाओं को परिवर्तित किया जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुख्य शोध परिकल्पना को संशोधित किया जाएगा, क्यों किया जाएगा भाई, जब हमारी नल हाइपोथेसिस जब हमारी रिजेक्ट ही हो गई है तो हमारे पास सीधा ऑप्शन बचता है, हमारे लिए एक ही चारा है, एक ही रास्ता है कि हम अपनी मुख्य शोध परिकल्पना जो हमने वैकल्पिक शोध परिकल्पना बनाई है हम उसी को सही मानकर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि किसी शोध में संबंधित साहित्य का अध्ययन क्यों आवश्यक है। रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, इसका लेक्चर मैं आपको पढ़ाऊंगा, रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर क्यों आवश्यक है, रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर क्यों आवश्यक है ये हम देखेंगे। तो कह रहे हैं कि जो हमारा रिसर्च है उसका जो शैक्षिक मूल्य है उसको बढ़ाने के लिए, या जो हमारी रिसर्च प्रॉब्लम है उसके साथ न्याय करने के लिए, या फिर हमारा जो रिसर्च रिजल्ट होगा, शोध का जो परिणाम होंगे उनकी व्याख्या जो है वो समष्टि परक सामान्यीकरण किया जा सके, या फिर शोध के ज्ञान और कौशल को बढ़ाया जा सके, ठीक है। इसलिए हमें ध्यान रखना होगा कि हम किसी शोध में संबंधित साहित्य का अध्ययन इसलिए करते हैं कि हम उसके शोध परिणामों की व्याख्या उसके पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हम उसको एक सामान्यीकृत भाषा में कर सके, कंप्लीट कर सके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि
निम्न में से किस न्यादर्श चयन तकनीक के लिए यादृच्छिकरण अनिवार्य है? मतलब हमारा जो हम सैंपलिंग करने जा रहे हैं, जो हम सैंपलिंग करने जा रहे हैं, उस सैंपलिंग में कौन सी ऐसी सैंपलिंग सिलेक्शन टेक्निक है जिसमें रैंडमाइजेशन इम्पॉर्टेंट है, जिसमें रैंडमाइजेशन ज़रूर होगा, वो कौन सी है? वह अवस्था या ये कुछ टाइपिंग एरर है, ठीक है, प्रतिदर्श या न्यादर्श चयन, वर्ग न्यादर्श या अनुपातिक, स्वदेश न्यादर्श चयन, या फिर आपकी स्तरीकृत या स्तरित या स्ट्रेटिफाइड, जो हमारा स्ट्रेटिफाइड हमारा जो रैंडम सैंपलिंग मेथड है, स्ट्रेटिफाइड हमारे जो रैंडम सैंपलिंग मेथड है, वो हमारा स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग मेथड में 100% ये चूंकि संभाव्य यादृच्छिकरण के अंतर्गत आता ही है, तो इसीलिए हमारा जो स्ट्रेटिफाइड, जब हमारी जनसंख्या, जब हमारी, यहाँ सुनिएगा, जब हमारी जनसंख्या विषम होगी या विभिन्न भागों में विभाजित होगी या विभिन्न स्तरों में विभाजित होगी, तो उस प्रकार की जनसंख्या से हमें सैंपलिंग करने के लिए किस विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। हमें इस स्थिति में दो प्रकार की हम रिसर्च या सैंपलिंग टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। एक तो हमारी स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग है, दूसरी हमारी क्लस्टर है। रैंडम सैंपलिंग अगर हम बात कर रहे हैं तो दूसरी हमारी क्लस्टर है। क्लस्टर में एक इम्पॉर्टेंट है, एक बात कीवर्ड आप ध्यान रखिएगा, हमेशा बड़े समूह के लिए जब बात आएगी, जब कभी बड़े समूह के लिए, यहाँ पर भी डेटा कैसा होता है, विषम जातीय होता है, परंतु यहाँ पर हमें जो एक कीवर्ड पकड़ना है अपने प्रश्न में, वो है बड़े समूह का। अगर बड़ा समूह है तब हम क्लस्टर रैंडम सैंपलिंग करेंगे, अन्यथा हमारा अगर जो पॉपुलेशन हमने जो बनाई है वो अगर छोटी है तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है साथियों कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, एक ऐसी प्रणाली है जिससे मापन एवं प्रदत्त को प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, जिससे मापन और आंकड़ों को प्रस्तुत किया जाता है, किसके समक्ष? अभिभावकों के समक्ष फीडबैक के लिए, अभिभावकों के समक्ष फीडबैक के लिए, अध्यापकों के समक्ष उनकी इफेक्टिवनेस के लिए, या प्राचार्यों के समक्ष शिक्षण अधिगम प्रणाली को नियंत्रित करने के लिए, या फिर जो लर्नर है हमारा, अधिगमकर्ता एवं अन्य संबंधित व्यक्तियों के समक्ष शिक्षण अधिगम प्रणाली के में उनके शैक्षिक विकास को जानने के लिए। जाहिर सी बात है यही विकल्प हमारा सबसे सही लग रहा है, और हम जो कंप्लीट एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है, उसके अंतर्गत हमारा जो छात्र है और उसके शिक्षण से संबंधित जितने भी लोग हैं, उन सबको अपने अपने कार्यों की जानकारी प्राप्त होती रहती है, इसीलिए हम कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन करते हैं, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन करते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से किसके अंतर्गत द्विमार्गीय संप्रेषण, ठीक है, टू वे हमारा जो कम्युनिकेशन है, टू वे कम्युनिकेशन है वो अच्छी तरह से हो पाएगा, टू वे कम्युनिकेशन अच्छी तरीके से सुनिश्चित हो सकता है? तो सुनने वाला टेप है, देखने वाला टेप है, या परिचर्चा है, या व्याख्यान है? तो जाहिर सी बात है ये सब वन वे हैं, ये भी वन वे है। परिचर्चा जहाँ डिस्कशन हो रहा होगा वहाँ पर टू वे कम्युनिकेशन अच्छी तरीके से इस्टेब्लिश हो पाएगा। इसी साथ मैं आपको बता देता हूँ कि PGT एजुकेशन का जो कंप्लीट सिलेबस है उसकी बुक भी है और उसका PDF भी है, तो जिस भी फॉर्म में आप लेना चाहते हैं आप संपर्क कर सकते हैं दिए गए नंबरों पर, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें भी आप बुक का लिंक प्राप्त कर सकते हैं। PDF लेने के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं अगले प्रश्न के बारे में बात करने के लिए। पर्यावरण शिक्षा से क्या तात्पर्य है? पर्यावरण शिक्षा का मतलब क्या है? पर्यावरण के बारे में शिक्षा, पर्यावरण के माध्यम शिक्षा के माध्यम के द्वारा, पर्यावरण के माध्यम द्वारा, या पर्यावरण की सहायता से शिक्षा? तो जो हमारा एनवायरमेंटल स्टडी है, ये देखिए पर्यावरण शिक्षा PGT एजुकेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, और ये
इसका अर्थ क्या होता है? तो पर्यावरण शिक्षा जो है वो उसका अर्थ है कि पर्यावरण के बारे में शिक्षा देने की बात कही जा रही है। ऐसे ही आपका प्रौढ़ शिक्षा भी अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए, ठीक, तो सतत शिक्षा आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए, तो ऐसे डायरेक्ट आंसर जो आपके आएंगे उन पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। अगला प्रश्न कहता है कि शिक्षण में सुपरविजन की, पर्यवेक्षण की आधुनिक संकल्पना में जोर दिया गया, किस बात पर जोर दिया गया है? तो टीचिंग में जो हमारा सुपरविजन का कॉन्सेप्ट आया है नया नया, वो किस पर बात करता है? कक्षा निरीक्षण पर, स्थलीय परिचर्चा पर, दुर्बल बिंदुओं के सुधार पर, या सहयोगात्मक प्रयास द्वारा सुधार पर? ये अब की बार शायद प्रश्न उसमें पूछा गया था असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन में, ये प्रश्न शायद पूछा गया था। तो आप ध्यान में रखिए कि प्रश्न जितने भी हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से एक एक प्रश्न को पढ़िए और समझिए, जो भी कंफ्यूजन है वो सामने डिस्कस हम लोग करेंगे। मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि आप एक कंफर्टेबल टाइम बताइए जिससे हम लोग उस टाइम एक लाइव क्लास अरेंज कर सकें और जो हमारा कंफ्यूजन है वो उसी समय सॉल्व हो सके। चलिए, तो शिक्षण में पर्यवेक्षण की आधुनिक संकल्पना जो है वो वर्तमान में सहयोगात्मक प्रयास के द्वारा सुधार करने पर जोर देती है। इसी क्योंकि अब आप किसी पर बहुत अधिक नियंत्रण करके कोई काम नहीं करवा सकते जब तक आप सहयोगात्मक रवैया नहीं अपनाएंगे। प्रश्न कहता है अगला कि जब जनसंख्या की प्रकृति, देखो आ गया प्रश्न वही जो मैंने आपसे पूछा था, जब जनसंख्या की प्रकृति समांग या समजातीय हो, यहां पर क्या विषम नहीं लिखा है, समजातीय हो, तो न्यादर्श चयन करने की सर्वाधिक उपयुक्त तकनीक कौन होगी? न्यादर्श मतलब होता है सैंपल, तो सैंपलिंग की हमारी कौन सी सबसे अच्छी विधि होगी? स्वउद्देश्य होगी, सिंपल रैंडम टेक्निक होगी, संयोगात्मक होगी, या गुच्छीय होगी, क्लस्टर ओ कोटा होगी, ठीक है, क्लस्टर होगी, हाँ गुच्छ मतलब क्लस्टर। तो जब समजातीय है, विषम जातीय होती तो हम सोचते जब समजातीय डेटा है हमारे पास तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, हमारा जो प्रोसेस होगा वो सिंपल रैंडम प्रोसेस होगा। वो हमारा क्या होगा? वो हमारा सिंपल रैंडम प्रोसेस हम यूज करेंगे, सिंपल रैंडम टेक्निक हम यूज करेंगे, ठीक है, जब हमारी जनसंख्या समजातीय। अब अगला प्रश्न आता है कि जब कभी टी मूल्य 0.01 लेवल पर सार्थक पाया गया तो वह किस स्तर पर सार्थक पाया जाएगा? तो देखिए साथियों, आपको मैंने जब पढ़ाया है टेस्टिंग ऑफ रिसर्च हाइपोथेसिस, अगर आप उसे आपने ध्यान से देखा है, सब मैं जितने भी लेक्चर अपलोड करता हूँ उसको आप पूरी ध्यान से देखा करिए, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सब की परीक्षा के लिए वो इम्पोर्टेंट है कहीं ना कहीं से, ठीक। तो आपने देखा था जब मैंने आपको पढ़ाया था कि जब हम टी वैल्यू का, जब हमारा 0.01 पर जो हमने बनाया था सिग्निफिकेंस लेवल, वो हमारा 2.58 मिल रहा था, तो जब 2.58 पे ये मिल रहा है तो 0.5 पर हमारा जो सिग्निफिकेंस लेवल था वो 1.96 था। तो जाहिर सी बात है 2.58 एक बड़ा अंक है जिसके अंतर्गत ये 1.96 आ जाता है, इसीलिए जो मूल्य जो वैल्यू हमें 0.01 पर सार्थक मिलेगी वो जाहिर सी बात है वो हमें 0.05 पर भी सार्थक मिलेगी, ठीक है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि 0.05 पर जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू 0.01 पर भी लागू होगी, ठीक है, क्योंकि इसका मान कम आता है और इसका मान ज्यादा आ रहा है, ये सामने आपके लिखा हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न देखें, यदि 100 विद्यार्थियों के प्राप्त अंकों को, वो हमारा वन टेल टेस्ट के लिए था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि 100 विद्यार्थियों के प्राप्त अंकों को एक आवृत्ति वितरण में स्टैंडर्ड डेविएशन का मान 5 पाया गया तो प्रत्येक प्राप्तांक को अगर दोगुना कर दिया जाए तो नए प्राप्तांक के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? देखिए ये कई काफी कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला प्रश्न है, तो इसको मैंने जब सॉल्व किया है तो मेरे हिसाब से आपका कभी भी जो भी प्राप्तांक दिए गए हैं उन प्राप्तांकों को यदि आप जोड़ेंगे या फिर आप इसमें कोई भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसका मीन तो बदल जा रहा है लेकिन उसका स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई अंतर नहीं आ रहा है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर मेरे हिसाब से प्रश्न का जवाब होगा 5 कि स्टैंडर्ड डेविएशन में दोगुना की वृद्धि कर दी जाए या 3 गुना की भी वृद्धि कर दी जाए तो भी कोई परिवर्तन होने वाला नहीं होता है, ठीक है। विद्वान साथी इस पर कमेंट करें। अगला प्रश्न है कि किसी शोध उद्देश्य में सीबीएसई संबंधित विद्यालयों में
हाँ ठीक है। सीबीएसई से संबंधित विद्यालयों में माध्यमिक स्तर के छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि के संदर्भ में हम इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी आधारित शिक्षण तकनीकी की प्रभावकारिता का अध्ययन करने जा रहे हैं। ये हमारा रिसर्च टॉपिक हो गया। इसमें आपसे ये पूछा गया है, जब हम वहाँ पर पहले चैप्टर में सारी चीज़ों को डिफाइन करते हैं तो हमारा एक हेडिंग आती है वेरिएबल, तो हम वहाँ पर वेरिएबल को भी डिफाइन करते हैं और हम बताते हैं कि हमारी रिसर्च जो प्रॉब्लम है या जो हमारा रिसर्च प्रोजेक्ट है उस रिसर्च प्रोजेक्ट से रिलेटेड कौन कौन से चर हमारे शोध से संबंधित हैं। तो वहां पर हम ये लिखते भी हैं कि हमारे रिसर्च प्रोजेक्ट के फला फला वेरिएबल हैं। इन वेरिएबल्स में से कौन से हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और कौन से हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। तो इस जब भी कभी किसी चीज की प्रभावकारिता का अध्ययन करेंगे, किसी चीज का प्रभावकारिता का अध्ययन करेंगे तो वो हमेशा क्या होगा, वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ठीक है, वो हमारा उसको हम संचालित चर भी कहते हैं, उसे हम स्वतंत्र चर भी कहते हैं, कई सारे उसके नाम हैं। लेकिन जिस पर प्रभाव पड़ रहा होगा, जिस पर अध्ययन किया जा रहा होगा, वह हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। वो हमारा क्या होगा, तो यहाँ पर क्या डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है, किसका प्रभावकारिता का अध्ययन कर रहे हैं, तो आईसीटी हमारा क्या हो जाएगा, हमारा स्वतंत्र चर हो जाएगा। लेकिन पूछा यहाँ पर क्या गया है, परतंत्र चर पूछा गया है यहाँ पर। भले आपको इस प्रश्न का जवाब पता है, लेकिन थोड़ा सा रुक करके ध्यान से अपने कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का प्रयास करिए और आने वाले समय में आपका एक व्यवहारिक ज्ञान भी डेवलप होगा, मेरा ऐसा प्रयास रहता है। तो यहाँ पर जो परतंत्र चर होगा वो कौन होना चाहिए, वो माध्यमिक स्तर के छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि होना चाहिए। जाहिर सी बात है इसी का अध्ययन हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, माध्यमिक स्तर के विद्यालय छात्र, सीबीएसई से संबंधित विद्यालय या आईसीटी आधारित शिक्षण तकनीकी, बिल्कुल नहीं, शैक्षिक उपलब्धि। अगर ये वाला जो ऑप्शन है इसमें लिखा होता माध्यमिक स्तर के विद्यालयी छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि, तो हमारा ये विकल्प सही होता, लेकिन यहाँ पर शैक्षिक उपलब्धि इन्होंने अलग से ले रखा है, इसलिए डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा यहाँ पर कौन होगा, इसलिए हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा शैक्षिक उपलब्धि। ठीक, आगे चले। अगला प्रश्न कहता है कि अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया में शैक्षिक तकनीकी के प्रयोग को महत्व किसने दिया, वही अनुप्रयोग या प्रयोग एक लगभग एक ही चीज है, इम्प्लीमेंटेशन की यहाँ पर बातचीत रही है, चल रही है। तो किसने, किस विचारधारा द्वारा, आदर्शवाद द्वारा, प्रयोजनवाद द्वारा, यथार्थवाद द्वारा या प्रकृतिवाद द्वारा, तो शैक्षिक तकनीकी के अनुपयोग के द्वारा सर्वाधिक जो हमारा शिक्षण है वो और अधिक लोकतांत्रिक हो जाता है, छात्रों को उनके अनुसार हम युक्तिपूर्ण योजना बनाकर ही कोई व्यूह रचना करते हैं शैक्षिक तकनीक के माध्यम से। प्रश्न पूछा भी जाता है शैक्षिक तकनीक से क्या तात्पर्य है, तो शैक्षिक तकनीक से तात्पर्य है कि शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए युक्तिपूर्ण व्यूह रचना से संबंधित विज्ञान को हम शैक्षिक तकनीक कहते हैं। तो ये किस लिए हम एक टैक्टिक फुल अपना पॉलिसी बनाने जा रहे हैं, जिससे बच्चों को आसानी से समझ में आ सके और जहां पर लोकतांत्रिक ये सबसे ज्यादा ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा होने वाली बात होगी वहां पर हमारा प्रयोजनवाद होगा। ठीक है, तो यहाँ पर शैक्षिक तकनीकी के अनुपयोग का प्रयोजनवाद ने दिया मेरे हिसाब से। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन लगता है तो आप कमेंट करिए। शिक्षा के द्वारा बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने को प्रस्तावित किसने किया, तो गांधी जी ने किया, स्वामी विवेकानंद ने किया, दयानंद सरस्वती ने किया, टैगोर ने किया। देखो बच्चों, शिक्षा के द्वारा बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने की बात तो विवेकानंद जी ने भी कही है, परंतु इस प्रकार की कोई स्पष्ट योजना उन्होंने प्रस्तुत नहीं की। तो यहाँ पर जो गांधी जी होंगे वो सही ऑप्शन होगा, क्योंकि इनकी बेसिक शिक्षा पद्धति जो आधारित है वो पूर्णतया बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आधारित प्रस्तुत की गई थी। यदि एक अध्यापक बच्चों को स्वयं की इच्छा के अनुसार सीखने के लिए कहता है तो वह निम्नलिखित में से किस विचारधारा पर आधारित व्यक्ति कहा जा सकता है, तो आपका जवाब प्रकृतिवाद हो सकता है, परंतु ध्यान रखिए यहाँ पर अस्तित्ववाद, आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रकृतिवाद, चार ऑप्शन दिए हैं। तो अस्तित्ववाद अगर जहां पर दिया गया है और वो स्वयं के इच्छा या स्वयं के अस्तित्व की बात या स्व की बात कर रहा है तो वहां पर आपका जवाब जो है वो अस्तित्ववाद की ओर जाना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, एक लोकतंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा कारक, कौन सा ऐसा फैक्टर है, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली को सर्वाधिक महत्व,
प्रभावित करता है। तो हमारे लिए एक राष्ट्र पूरे देश के लिए एक शिक्षा प्रणाली बनने जा रही है, और वो उस देश के लिए जो हमारी शिक्षा प्रणाली बनेगी वो क्या कहलाएगी। अच्छा ठीक है, जो हमारे पूरे देश के लिए शिक्षा प्रणाली बनने जा रही है वो शिक्षा प्रणाली किन बातों पर आधारित होनी चाहिए। तो लोगों के शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति पर, सामाजिक विचार पर, संवैधानिक आदर्श पर, या लोगों का सामाजिक शैक्षिक स्तर कैसा है, ये महत्वपूर्ण होगा। तो जब हम राष्ट्र की बात करेंगे तो राष्ट्र हमारा संविधान के आदर्शों के अनुरूप चलेगा, इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला जो फैक्टर होगा वो हमारी संवैधानिक आदर्श होंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। तो प्रश्न कहता है कि बुनियादी शिक्षा पाठचर्या को विकसित किनकी अध्यक्षता में किया गया। ठीक, तो यहाँ पर गांधी चाचा का भी नाम है और जाकिर हुसैन जी का भी नाम है, मौलाना आजाद जी हैं, विनोदा भावे हैं। तो बुनियादी शिक्षा पाठचर्या को विकसित किसकी अध्यक्षता में किया गया, तो वो जाकिर हुसैन समिति का निर्माण किया गया था, और फिर जाकिर हुसैन समिति के द्वारा, महात्मा गांधी की कोई समिति नहीं बनी थी, जाकिर हुसैन समिति बनी थी। बस अगर कहा जाता बुनियादी शिक्षा का संप्रत्यय किसने दिया या बुनियादी शिक्षा का संबंध किससे है, तो गांधी चाचा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जाकिर हुसैन का। अगला प्रश्न है, किसी बच्चे के लिए अमूर्त संक्रियात्मक विकास की अवस्था क्या होती है। देखो पिछली लेक्चर में मैंने आपको लिखा, इस प्रश्न ऐसा ही एक प्रश्न आया था, वहाँ पर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की शायद समय पूछा गया था, और मुझे ए ऑप्शन पर टिक करना था, मैंने सी ऑप्शन पर टिक कर दिया, तो उसको सही कर लीजिएगा। मैंने आपको शायद इधर लिख करके बताया भी था कि जीन पियाजे ने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को कितने भागों में बांटा था, चार भागों में बांटा है। पहली उन्होंने संवेदी पेशी अवस्था कही थी, पहली कौन सी कही थी, संवेदी पेशी, सेंसरी मोटर स्टेज, जिसका समय है 0 से 2 वर्ष, जिसका समय क्या था, 0 से 2 वर्ष। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा समय क्या है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसका समय हमारा 2 से 7 वर्ष का है। ठीक है, और तीसरा जो हमारा है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसका समय हमारा 7 से 11 वर्ष का है। और चौथा हमारा क्या है, चौथा है हमारा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय 11 से 15 वर्ष का है। ठीक, तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय पूछा गया है। तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था हमारे पास यहाँ पर डी ऑप्शन है, 11 से 15 वर्ष की आयु। ठीक है, तो वहाँ पिछले लेक्चर में भी आप इसको सही कर लीजिएगा। कई बार क्या होता है, पढ़ाते पढ़ाते कई बार कहीं बीच में कॉल आ गई या कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है, तो माइंड भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो उस आधार पर थोड़ा सा आप लोग उसको टॉलरेट करने का प्रयास करिए, और साथी है ये सब विद्वान, मैं जानता ही हूँ, कहीं ना कहीं से मुझे उसकी खबर मिल जाती है, तो मैं उनका उन सभी साथियों का स्वागत करता हूँ और बहुत धन्यवाद देता हूँ जो कम से कम ऐसी स्थितियों को तुरंत मुझे पहुंचा देते हैं, वो मेरे सबसे हितैषी और शुभचिंतक मानता हूं मैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्तर संप्रत्यय निर्माण से संबंधित नहीं है, कौन सा ऐसा स्तर जो संप्रत्यय निर्माण से संबंधित नहीं है। तो मूर्त स्तर, विभेदन स्तर, पहचान स्तर या परावर्तित स्तर। तो देखो साथियों क्या स्थिति है कि संप्रत्यय निर्माण के जब कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं और संप्रत्यय निर्माण के जब हम चरण पढ़ते हैं तो उसमें ये चारों आते हैं, लेकिन यहाँ पर संप्रत्यय निर्माण को एक चिंतन प्रक्रिया के रूप में देखा गया है, और चिंतन प्रक्रिया में जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा जो नहीं दिख रहा है उससे संबंधित होता है, अमूर्त चीजों से संबंधित होता है। तो यहाँ पर अमूर्त स्तर इसको नहीं लिया जाना चाहिए। ठीक है, किसी शिक्षक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक जो उस अधिगम को प्रभावित करेगा, टीचर का ऐसा कौन सा इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो बच्चों की पढ़ाई को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, तो वो है उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग। एक ऐसा टीचर है जो खूब अच्छी शिक्षण विधियों का प्रयोग करता है, एक ऐसा टीचर है जो उपयुक्त शिक्षण सहायक सामग्रियों का प्रयोग करता है, खूब चार्ट वार्ट लेकर के आता है और टांग वांग के लेके आता है, बोर्ड वोर्ड इधर उधर फूल पत्ती सब उठा के लेके आता है बेचारा। तीसरा ऐसा टीचर है जो छात्र व्यवहार की समझ रखता है कि बच्चे के जो बिहेवियर इस समय है वो किस कैसा है, वो कौन सी चीज़ सुनना चाहते हैं, कौन सी चीज़ पढ़ना चाहते हैं, इस समय वो थक गए हैं, तो ऐसी चीज़, या शिक्षण के विषय वस्तु में दक्षता, या इस कोई एक ऐसा अध्यापक है जिसको अपने सब्जेक्ट पर बहुत अधिक कमांड है, वो व्यक्ति इन चारों में से कौन सा ऐसा बेस्ट ऑप्शन होगा जो
बच्चों को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा। तो हम सभी जानते हैं कि एक ऐसा अध्यापक जो छात्र व्यवहार की समझ रखता है वो अधिगम को सबसे अधिक प्रभावित करता है। ठीक है, सब कुछ है आपके पास, आप बच्चों के व्यवहार को नहीं समझ पा रहे हैं, कब वो थक गए हैं, कब वो पढ़ने के लिए उत्सुक हैं, तो आपके सारी चीजें बेकार हो जाएंगी। अगला प्रश्न है कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला, अनुक्रमित अधिगम के प्रणेता कौन थे। तेजी में मत रहिएगा, यहाँ पर अनुक्रमित अधिगम पूछा गया है, ठीक, स्किनर, गायने या ब्रूनर या थॉर्नडाइक। तो कई बार अनुक्रमित अनुदेशन के चक्कर में स्किनर मार देंगे, लेकिन यहाँ पर हेरारिकल लर्निंग की बात की गई है, तो हेरारिकल लर्निंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, हेरारिकल लर्निंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, गायने महोदय ने दिया था। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि हेरारिकल लर्निंग पूछी गई है, ना कि हेरारिकल या अपना की प्रोग्राम्ड लर्निंग, ठीक है, या प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। तो अगर कंफ्यूजन होगी तो इंग्लिश वाला पार्ट पढ़ लेना और वहां से आपको चीज समझ में आ जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, उससे मैं पहले आपको बता देता हूं, भले हम इस समय प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन इस चैनल के माध्यम से आपको शिक्षा शास्त्र विषय का पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा, पूरा सिलेबस कवर होगा। तो जो साथी इस समय इस प्रैक्टिस सेट को भी सॉल्व कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में जुड़िए, जिससे आपके सिलेबस को पूरी तरीके से एक अच्छे तरीके से पूरा समझा करके आपको कंप्लीट कराया जा सके। और आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, मेनली तो ये चैनल एनटीए नेट एजुकेशन की प्रिपरेशन के लिए फॉर्म किया गया था और लगभग उसी दिशा में हम काम भी कर रहे हैं, आपका एक बेस मजबूत होता चला जा रहा है, धीरे धीरे आपको एजुकेशन सब्जेक्ट का एक अच्छा नॉलेज मिल सके, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। तो चैनल के साथ जुड़िए और आपको शिक्षा साथ विषय का पूरा जानकारी यहाँ से मिलेगी। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी विद्यालय प्रणाली के सामाजिक संदर्भ को उजागर करने को एक घटक माना जाता है, किसी विद्यालय का एक सामाजिक संदर्भ को कौन उजागर करता है। तो ये प्रणाली विश्लेषण का एक पार्ट है, सिस्टम एनालिसिस का, जिसमें सामाजिक संदर्भ या मनोवैज्ञानिक संकल्पों की बात कही जाती है। अगला प्रश्न कहता है कि ऑस्ट्रेलिया का दूरस्थ शिक्षा प्रतिमान, ऑस्ट्रेलिया में आप तुलनात्मक शिक्षा का ये प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया का दूरस्थ शिक्षा डिस्टेंस एजुकेशन जो हमारा मॉड्यूल है वो किस पर आधारित है, द्विमाध्यमिक दूरस्थ शिक्षा प्रणाली, स्वतंत्र अधिगम दूरस्थ शिक्षा प्रणाली, स्वशासी मुक्त अधिगम विश्वविद्यालय या रेडियो एवं दूरदर्शन विश्वविद्यालय के रूप में। तो ऑस्ट्रेलिया का जो दूरस्थ शिक्षा प्रतिमान है वो साथियों द्विमाध्यमिक दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के रूप में जाना जाता है, इसीलिए यह फेमस है। फिर से डिस्टेंस एजुकेशन के से क्वेश्चन आया, निम्नलिखित में से कौन भारत में मुक्त दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं। तो वी नायडू, जी धनराजन, एम ए मन्नन या ए डब्ल्यू खान। तो देखिए ये ऐसा प्रश्न है जो उस समय के लोगों को जब ये आया होगा प्रश्न तो कंफ्यूजन क्रिएट किया होगा और फंसाने वाले ऐसे दो चार प्रश्न आते ही है। तो इसमें ए डब्ल्यू खान है, क्यों ए डब्ल्यू खान है, क्योंकि ये इग्नू के वाइस चांसलर भी रहे हैं और एक ए डब्ल्यू खान इग्नू में डायरेक्टर भी रहे हैं। तो चूंकि डिस्टेंस एजुकेशन का इग्नू हमारा एक ऐसा संस्थान है जो बहुत ही व्यापक तौर पर काम करता है, इसीलिए दूरस्थ शिक्षा से संबंधित इस विकल्प में सबसे अच्छा ऑप्शन ए डब्ल्यू खान महोदय का है। अगला प्रश्न देखते हैं, कहता है कि किसी अनियमित विद्यार्थी के साथ कोई एक शिक्षक समुचित ढंग से व्यवहार कर सकता है कैसे, उसे कठिन शारीरिक कार्य दे दीजिए, ठीक, या फिर उसको टेस्ट में कम नंबर दे दीजिए, या उसको कोई समुचित परामर्श दे दीजिए, या ऐसा करने के लिए उसको समुचित हतोत्साहन दे करके, ठीक है, पर एकदम गधा है, बेकूफ है, ऐसा कह करके उसे आप भगा दीजिए, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। तो सीधी सी बात है, विकल्प हमारे सभी देख करके हमें समझ में आ रहा है कि उस अनियमित विद्यार्थी को हम क्या करेंगे, उचित परामर्श करेंगे, उसको अच्छी तरीके से गाइड करेंगे जिससे वह विद्यालय व्यवहार के अनुरूप व्यवहार कर सके। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, क्या कहता है कि समावेशी शिक्षण का तात्पर्य कक्षा में सम्मिलित करने से क्या फायदा होगा या करने से होता है, ठीक, क्या करने से होता है। तो सामान्य बच्चों के विभिन्न वर्गों को या फिर शारीरिक एवं मानसिक बाधित बच्चों को या विशिष्ट बच्चों को
या फिर सामान्य और विकलांग दोनों प्रकार के बच्चों को। तो हम सभी जानते हैं कि समावेशी शिक्षा एक ऐसी व्यवस्था है जहां पर समावेशी एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जिसके अंतर्गत हम सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार के बालकों को एक व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ाने की संकल्पना को स्वीकार करते हैं और उसी दिशा में हम आगे चल रहे हैं। ये एक चैलेंजिंग वर्क है क्योंकि अभी तक हम जो सामान्य बालक हैं उनकी पूरी तरीके से शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर पाए हैं, और लेकिन उसी कक्षा में एक विशिष्ट बालक भी बैठेगा, उसकी जो शैक्षिक पूर्ति है वो किस प्रकार से हो पाएगी, ये आने वाले समय में एक चैलेंजिंग कार्य है जिसे अन्य शिक्षक जरूर पूरा कर सकेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि अन्य विधाओं के समान दर्शन का मुख्य उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति है, यह कथन किसका है? स्टेटमेंट वाला प्रश्न है। बढ़िया, रस्क का है, जेंटाइल का है, ब्राइटमैन का है या बर्टन रसेल का है? तो अन्य विधाओं के समान दर्शन का मुख्य कार्य ज्ञान की प्राप्ति है, ये कौन कहता है? ये बर्टन रसेल साहब कहते हैं, एक यथार्थवादी मनोवैज्ञानिक दार्शनिक है। अगला प्रश्न है, सामाजिक दक्षता का संप्रत्यय किसने दिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। तो जेम्स ने, हेगल ने, पियर्स ने, सभी जानते होंगे। इस प्रश्न का जवाब जॉन डीवी है। अगला प्रश्न कहता है कि शोध प्रक्रिया का लक्ष्य क्या होता है? जो भी हमारी रिसर्च प्रोसेस होती है उसका हमारा लक्ष्य क्या है, गोल क्या है? समस्या का समाधान कर दीजिए, प्रश्नों का उत्तर खोज लीजिए, परिकल्पना का सत्यापन करिए या फिर निष्कर्ष निकालिए। तो फिलहाल की शोध प्रक्रिया का हमारा जो लक्ष्य है वो हमारी जो हमारी हाइपोथेसिस है उस हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करेंगे, उसको हम सत्यापित करेंगे, उसके बाद हम कोई निष्कर्ष निकालेंगे। इस सत्र का, इस अपने सेशन का, आज के सेशन का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और जो भी कंफ्यूजन होगी जरूर आप कमेंट में बताइएगा, चैनल के साथ जरूर जुड़िए। किताब लेनी है, बुक पीडीएफ लेनी है, कुछ भी प्राप्त करना है तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। लास्ट प्रश्न है, परीक्षण और पुनर्परीक्षण, टेस्ट रीटेस्ट, जो हमारा टेस्ट है रीटेस्ट और रीटेस्ट किसके लिए करते हैं बताओ? टेस्ट रीटेस्ट किसके लिए करते हैं? टेस्ट और रीटेस्ट हम करते हैं किसके लिए? विश्वसनीयता की जानकारी के लिए। हम किस लिए करते हैं? विश्वसनीयता की जानकारी के लिए हम विश्वसनीयता ज्ञात करने की हमारी जो विधि है, चार विधि है, उसी में से हमारी परीक्षण और पुनः परीक्षण, टेस्ट रीटेस्ट के जो हमारा कॉन्सेप्ट है इसे प्रयोग करते हैं, और इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? स्थिरता गुणांक विधि, आंतरिक संगति, अर्ध विच्छेद विधि या अवयवी फैक्टोरियल विधि के नाम से। तो परीक्षण पुनः परीक्षण विधि को स्थिरता गुणांक विधि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आज के हमने महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को हल किया। अगले क्लास में, अगले लेक्चर में आप लोग बताइए किस टाइम को एक अच्छा लाइव सेशन बनाया जाए जहां पर आप सभी जुड़ सकें, तो उस टाइम को हम लोग डिसाइड करें और वहां पर पढ़ाई की जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद, अपनी पढ़ाई को ऐसे ही जारी रखिए, मैं आपको आपके अध्ययन में इसी प्रकार से सहायता करता रहूंगा। धन्यवाद, भारत माता की जय।